So the today's topic is just a minute, you increase. So today's topic is a very important subject, cutaneous T cell lymphoma. It's very important as far as clinical scenarios are concerned. Aapke exam, MCQs ke liye, SEQs ke liye, plus long case, short case to nahi, lekin long case aayega MF ka, aur usme bahut sari cheeze hain जो आप लोगों को आनी चाहिए. एम एफ और रिलेटेड, और अगर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग केस एम एफ का नहीं है तब भी सी टी सी एल या एम एफ बहुत सारे पेप्लोस्क्यूमस डिसऑर्डर्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है. तो इसलिए केस भी हो सकता है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें तो इसमें याद करने की हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं. आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, खास तौर पे क्योंकि मेरा हिस्टोपैथोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आई वुड लाइक टू क्लियर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मैलिग्नेंसी. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द यूजुअल क्लासिफिकेशन विच वी सी इन रुक रिगार्डिंग द क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा. द लो ग्रेड मैलिग्नेंट टी टी सी एल, ये ना जो तकरीबन तमाम टी सेल लिम्फोमास हैं और इवन बी सेल लिम्फोमास हैं, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की कैटेगरी में आते हैं. एक कैटेगरी ये लिम्फोमास की हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेनली लिम्फ नोड ट्यूमर है, कैरेक्टराइज बाय बी कैटेगरी सिम्टम्स और जनरलाइज सिम्टम्स लाइक प्रुराइटस और रैश. लेकिन इसके अलावा एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की कैटेगरी है. उस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में टी सेल और बी सेल दोनों लिम्फोमा था, और टी सेल लिम्फोमा इसलिए क्यूटेनियस कहलाते हैं क्योंकि इन तमाम लिम्फोमास में एक फीचर होता है जिसको एपिडर्मोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसको आगे एक्सप्लेन भी करना है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा. तो जनरली दीज क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमास आर लो ग्रेड मैलिग्नेंसी. और कॉमनली कौन कौन से सी टी सी एल वी कम अक्रॉस, द मोस्ट कॉमन इज माइकोसिस फंगोइडी and few variants of mycosis fungoides, which are follicular mucinosis, pagetoid reticulosis and granulomatous plaque skin. पिछले कुछ दिनों में जब हम DDs कर रहे थे, हमने उस DD में इन तमाम इन तीनों disorders को मुख्तलिफ मौकों पर consider किया, मुख्तलिफ और diseases के differential diagnoses में. फिर Sézary syndrome, Sézary syndrome you all know would always come in the differential diagnosis of erythrodermas. CD30 positive lymphoproliferative disorders. ये these disorders will not be very different from the normal MF, but इसमें ना ज़रा ज़्यादा aggressive outcome होता है, और ये aggressive outcome हम immunohistochemistry से देखेंगे. अब ये CD30 positive का कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर immunohistochemistry की गई है, तो उस पर CD30 निकली है. Then lymphomatoid papillosis, जो हम इस आज के दिन discuss नहीं कर रहे. High grade or undeterminate CTCLs we are not discussing today. So the main topic of today is mycosis fungoides, which is considered to be the most common variant of CTCL. Mycosis fungoides has an indolent clinical course. मतलब एक ऐसा course होता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब slow छुपा छुपा सा एक course चल रहा होता है, and but has a very well defined clinical pathological features. मैं अक्सर कहता हूं कि इट इज़ नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग. बहुत कॉमन ट्यूमर है. हर उस बाबे में या खातून में हु इज अबव 50 एंड हु इज क्रॉनिकली विजिटिंग योर ओपीडी फॉर कंप्लेन ऑफ जनरलाइज्ड प्रुराइटस एंड नॉन स्पेसिफिक रैश ऑन द बॉडी. आपके पास पिछले साल से, जो साल से अगर आप ऐसे लोग आ रहे हैं, ओल्ड पेशेंट्स who are coming to your OPD since last one year with the same complaints, pruritus and rash. आप देखते हैं तो ऐसा नॉन स्पेसिफिक सा रैश होता है कि आपको उसको लिफ्ट नहीं कराते. उन तमाम की अगर आप बायोप्सियाँ करेंगे तो आई वुड से कि उनमें से 50% लोगों में एम एफ जरूर निकलेगा. तो इट इज सच एन इंडोलेंट कोर्स. इटियोलॉजी, इट्स नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड. ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 की सजेशन है, बट सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन हैव फेल्ड टू आइडेंटिफाई. फॉर ओवर 20 इयर्स वन ऑफ द थ्योरी दैट
is that this is a disease of antigen persistence and eventual transformation of benign lymphocyte to low-grade malignant T-cell lymphoma. अब आपको एक दफा याद करा दूं कि टी सेल कम्स इन द लिम्फ ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी TH1 रिस्पॉन्स. तो जब कोई एंटीजन बॉडी में दाखिल होता है तो इनेट और एक्वायर्ड दोनों इम्यूनिटी के रिजल्ट में टी सेल एक्टिवेशन होती है. और एक्चुअली यहाँ पे जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इट इज समहाउ सम एंटीजन परसिस्टेंस, जो भी एंटीजन इस टी सेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है, that is persisting and resulting in continuous proliferation of T lymphocytes, which later on turns into a low-grade malignant T cell lymphoma. But as yet, the antigens or antigen responsible for this transformation has not yet been identified. There are possible relationships with allergies and fungal or viral infections, with workers in petrochemical, textile, machine, metal industry, glass, pottery and ceramics, and workers exposed to solar radiation. So ye jo persistent antigens hain wo ye bhi ho sakte hain. Incidence is not very high, 0.64 in 100,000 cases. The rise could represent a combination, acha, but there is a rise which could represent a combination of improved diagnosis and previous coding problems, as well as genuine increase in disease incidence, as seen in all the other non-Hodgkin lymphoma. Mainly, मैं आप लोगों को इसलिए stress कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोगों की biopsy करें, क्योंकि this is not an uncommon diagnosis. Now, these two slides जो एक TNM classification है और stage of disease है, ये बड़ी important है और इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है. अगर एग्जाम में आपके पास CTCL का केस आएगा तो आपने उसकी TNM क्लासिफिकेशन भी कर ली है और उसकी स्टेजिंग भी कर ली है. अगर मेरे हिसाब से नहीं करेंगे तो आपने अपने केस में मेजर जो नंबर आपने हासिल करने थे वो आपने लूज कर लिए. जैसे कि थोरेसिस के केस में आपने पासी स्कोरिंग कर ली. मेरे हिसाब से 10 में से 2 या 3 नंबर पासी स्कोरिंग के ज़रूर होने चाहिए. अगर आप पासी स्कोरिंग नहीं करेंगे सोरासिस में तो ये नंबर कटने चाहिए आपके कि आपने ये मेजर काम नहीं किया. इसी तरीके से आपने एमएफ के केस में टीएनएम क्लासिफिकेशन और स्टेज जरूर करनी है. एग्जामिनर वुड आस्क कि ये पेशेंट किस स्टेज में है. टीएनएम क्लासिफिकेशन याद रखें, बहुत मुश्किल नहीं है. अब टीएनएम क्लासिफिकेशन में हमने ना हमारे पास 5 कैटेगरीज है, T0, T1, T2, T3, T4. इसमें T0, जैसे कि हर जगह पे 0 होता है, कि lesions are clinically or histologically suspicious but not diagnostic. Neither clinically diagnostic, ना वो histologically diagnostic. जैसे parapsoriasis होता है and non-specific eczema होता है, इस तरह के lesions हैं. लेकिन ऐसे lesions वो होते हैं जिसके ऊपर हम जब histology की भी reporting करते हैं, हम कहते हैं कि the patient should be reviewed and followed up and re-biopsy after 6 months. तो ये वो तमाम केसेस हैं कि जिनको आपने अपने फॉलोअप में रखना है और कुछ अरसे के बाद रिपीट बायोप्सी करना. अब T1 वो वाले पेशेंट्स हैं जिनमें प्लाक्स हैं विच आर इन्वॉल्विंग लेस देन 10% ऑफ द स्किन सर्फिस. आपको मालूम है एक पामर एरिया जो है ना वो 9% है, तो समझ लीजिए पामर एरिया के बराबर इन्वॉल्वमेंट से कम T1, पामर एरिया के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा T2, T3 ट्यूमर स्टेज, T4 इलेक्ट्रोड. तो ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि T3 ट्यूमर स्टेज, T4 इरेथ्रोडर्मा. तो मेनली T1 है लेस देन 10% प्लाक, T2 है मोर देन 10% प्लाक, T3 है ट्यूमर और T4 है इरेथ्रोडर्मा. अब ये चीजें तीनों आपको याद हों ताकि आगे भी आप इसको यूज कर सकें. देन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड में N0 इज नीदर क्लिनिकली नॉन पैथोलॉजिकल लिम्फ नोड्स. N0 मतलब कोई लिम्फ नोड्स नहीं है. N1 में क्लिनिकली पेल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं, लेकिन उन लिम्फ नोड्स की अगर हम बायोप्सी करें तो पैथोलॉजिकली नेगेटिव. तो इसका मतलब ये है कि ये डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी हो सकती है. डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी
किसी भी क्रॉनिक स्किन डिजीज में ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकली वहां पे एमएफ नहीं है, तो इसलिए इसको हम N1 कहेंगे। N2 इज क्लिनिकली बेशक इतने विजिबल ना हो, लेकिन पैथोलॉजिकली उनके अंदर एमएफ मौजूद है, उनके अंदर एबनॉर्मल टी सेल मौजूद हैं, तो ये N2 है। और N3 ये है कि क्लिनिकल भी एनलार्ज्ड हैं और पैथोलॉजिकली भी पॉजिटिव। ठीक, तो N0 इज नीदर क्लिनिकल नॉन पैथोलॉजिकल। N1 इज मेनली डर्मेटोपैथिक लिम्फेडनोपैथी, जिसमें क्लिनिकली पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं बट पैथोलॉजी में जीरो है, कोई पैथोलॉजी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की नहीं है। और N2 जिसमें क्लिनिकली पैल्पेबल हो या ना हो, लेकिन अगर बायोप्सी करें रीजनल लिम्फ नोड्स की तो उसमें MF मिलेगा। और N3 वो है कि जिसमें क्लिनिकली भी एनलार्ज्ड है एंड पैथोलॉजिकली भी है। अब विसरल इन्वॉल्वमेंट सिंपल है, एक V0 है नो विसरल इन्वॉल्वमेंट, V1 है कोई भी एक विसरा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम सॉरी M0 और M1 कोई भी विसरा इन्वॉल्व हो जाए तो M1 के। फिर पेरिफेरल ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है सिजेरे के लिए, सिजेरे के लिए इंपॉर्टेंट है कि B0 नो एटिपिकल सर्कुलेटिंग सेल्स, B1 एटिपिकल सर्कुलेटिंग सेल्स प्रेजेंट, ये सिर्फ सिजेरे के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी MF के लिए ये तीन चीजें, क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, लिफ नोड्स एंड विसरल इन्वॉल्वमेंट। अब ये स्टेजिंग सिस्टम है, स्टेजिंग सिस्टम मेन सिस्टम है जिसके बेसिस पे MF का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, और इसका बेसिस, स्टेजिंग का बेसिस इज TNM क्लासिफिकेशन। तो जब तक आपको TNM क्लासिफिकेशन नहीं आएगी आपको स्टेजिंग नहीं आएगी। अब स्टेजिंग में 4 के स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और 4। इसमें सिवाय 3 के जो 1, 2 और 4, ये दोनों की A और B भी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेज 1A। स्टेज 1A है T1। T1 इज प्लाक लेस देन 10%, कोई नोड नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं। और 1B इज T2, प्लाक मोर देन 10% ऑफ द बॉडी, कोई लिम्फ नोड नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं। तो 1 और 1B सिंपल हो गई, आमतौर पे हमारे मरीज 1A और 1B में ही आते हैं। 2A और 2B, 2A 10% से कम भी हो सकती है इन्वॉल्वमेंट प्लाक्स की और ज्यादा भी हो सकती है। T1 और T2 है लेकिन लिम्फ नोड एनलार्ज्ड है और वो N1 कैटेगरी है, मतलब उसमें पैथोलॉजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर तो प्लाक्स हैं, कितने भी हैं, पूरी बॉडी पे भी हैं और कोई रीजनल लिम्फ नोड एनलार्ज है, तो पेशेंट स्ट्रेट अवे 2A कैटेगरी में चला जाएगा। ये भी वो कैटेगरी है जो हम कॉमनली देखते हैं, जो कैटेगरी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कॉमनली आती हैं वो ये तीन है, 1A, 1B और 2A। 1A में कोई लिम्फ नोड नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है, लेकिन 10% से लेस इन्वॉल्वमेंट है स्किन की। 1B में कोई लिम्फ नोड नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है, लेकिन मोर देन 10% इन्वॉल्वमेंट है। 2A में किसी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है प्लाक की, कितनी भी, लेकिन A ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड, लेकिन पैथोलॉजिकली एनलार्ज्ड नहीं। स्टेज 2B बहुत क्रिस्प है। स्टेज 2B इसलिए क्रिस्प है कि स्टेज 2B में ट्यूमर स्टेज, कि आपको स्किन के ऊपर प्लाक्स के अंदर 1, 2 या मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे, जिसको हम ट्यूमर स्टेज ऑफ MF कहते हैं। जब MF की ट्यूमर स्टेज आएगी तो पेशेंट स्ट्रेट अवे 2B कैटेगरी में आ जाए। अब 2B कैटेगरी की ट्रीटमेंट्स हर जगह पे मुख्तलिफ हो जाती है और ये हमारी रेंज से पेशेंट तकरीबन बाहर निकल जाए। अब 2B के साथ लिम्फ नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब ट्यूमर स्टेज आ गई तो लिम्फ नोड की अहमियत इतनी खत्म हो गई तकरीबन, लिम्फ नोड नहीं भी है अगर सिर्फ या अगर पैल्पेबल लिम्फ नोड है जो पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल नहीं है तो स्टेज 2B है। स्टेज 3, अब आप याद रखें कि ये इरिथ्रोडर्मिक स्टेज है और ये इरिथ्रोडर्मिक MF इज डिफरेंट फ्रॉम सिजेरे सिंड्रोम। ये इरिथ्रोडर्मिक MF है, ये सिजेरे नहीं है। तो इरिथ्रोडर्मिक MF लिम्फ नोड पैल्पेबल,
but not pathologically abnormal. No metastasis. State away patient is in category 3. Stage 3. Ab stage 4A or 4B. Ab 4A or 4B mein chand cheeze mushtarak hain. Kya cheeze mushtarak hain? Ke skin ki involvement kisi bhi category ki ho sakti hai. Plaques bhi ho sakte hain, nodule bhi ho sakte hain, erythroderma bhi ho sakta hai. 4A mein bhi aur 4B mein bhi. लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, क्लिनिकली पैल्पेबल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकली भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है फोर्थ कैटेगरी में वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। कि अगर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो स्ट्रेट अवे पेशेंट जो है ना 4B में चला जाए, स्ट्रेट अवे पेशेंट 4B में चला जाए। और जो 4A है, 4A में इंपॉर्टेंट ये है कि लिम्फ नोड पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल। अगर मैंने पहले कहा, इसको मैं रिवाइज करता हूं कि स्टेज 4A और 4B में स्किन की इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन 4A में लिम्फ नोड पैथोलॉजिकल होना जरूरी है, मेटास्टेसिस नहीं होगा। और 4B में लिम्फ नोड पैथोलॉजिकल हो या ना हो, मेटास्टेसिस होगा। तो एक दफा दोबारा ये स्टेजिंग चूंकि इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। स्टेज 1A और 1B मिलती जुलती हैं, इन दोनों में लिम्फ नोड्स और मेटास्टेसिस नहीं होते। स्टेज 1A में लेस देन 10% स्किन इन्वॉल्वमेंट है और 1B में मोर देन 10% स्किन इन्वॉल्वमेंट है। स्टेज 2A और 2B, 2A और 2B आपस में डिफरेंट है, क्योंकि 2A में हम वही स्किन फाइंडिंग देखते हैं जो 1 और 2 में। स्किन की इन्वॉल्वमेंट किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन ट्यूमर स्टेज नहीं होगी, प्लाक स्टेज होगी। दूसरा, लिम्फ नोड पैल्पेबल हो। अब सिर्फ लिम्फ नोड पैल्पेबल होना और प्लाक स्टेज होना पेशेंट को स्ट्रेट अवे 1 से 2A में ले जाएगा। और जो स्टेज 2B है, स्टेज 2B स्पेसिफिक है, उसमें आपके पास ट्यूमर स्टेज होगी, स्किन के ऊपर ट्यूमर नोड्यूल्स बने होंगे और लिम्फ नोड पैल्पेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो लिम्फ नोड पैल्पेबल नहीं भी होंगे, लेकिन अगर स्किन के ऊपर नोड्यूलर स्टेज होगी तो पेशेंट विल बी इन कैटेगरी 2B। और कैटेगरी 3 बिल्कुल क्लियर एरिथ्रोडर्मिक MF की है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो या ना हो, लेकिन अगर एरिथ्रोडर्मिक MF है तो पेशेंट इज इन कैटेगरी और स्टेज 3। स्टेज 4 और स्टेज 5, स्टेज 4 और स्टेज 5 में स्किन की इन्वॉल्वमेंट मानी नहीं रखती, प्लाक भी हो सकते हैं, ट्यूमर स्टेज भी हो सकती है और प्लाक और एरिथ्रोडर्मा भी हो सकता है। फर्क यह है कि 2A में लिम्फ नोड्स पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल, मेटास्टेसिस नहीं है, और 4B में, ये 4A का बताया था, और 4B में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हों या ना हों, मेटास्टेसिस होना जरूरी। तो ये हो गई हमारी TNM क्लासिफिकेशन। माइकोसिस फंगोइडीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्केली पैचेस एंड प्लाक्स इन्वॉल्विंग लेस देन 10%, ये होगी सारी बात, मोर देन 10% कौन सी T2 स्टेज होगी, ट्यूमर स्टेज एंड एरिथ्रोडर्मिक स्टेज। स्टेज 1A MF इज कैरेक्टराइज्ड बाय सटल is characterized by subtle fine scale and often atrophic erythematous patches on trunk, breast and particularly the buttocks. ये भी एक important बात है कि MF के lesions hidden body areas में होते हैं, वो areas कि जो कपड़े से ढंपे हुए होते हैं, face के ऊपर exposed hands and feet पे CTCL नहीं होता, trunk, breast and buttocks, ये भी एक important point है याद करने का। और देयर कैन बी माइल्ड प्रूराइटिस, आमतौर पर सिजेरे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद सवेयर प्रूराइटिस, लेकिन अदरवाइज MF के पेशेंट्स को बहुत सवेयर प्रूराइटिस नहीं होता। अब देखें, इस किस्म के जो लेजन्स हैं इनको आप जनरली पहली दफा में एक्जिमा कहेंगे या कोई सोरेसिस की स्टेज कहेंगे या पैरासोरेसिस कहेंगे, लेकिन बार 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 ये मरीज आएगा तो आपके जहन में बत्तियां घंटियां बजनी चाहिए कि नहीं, ये MF हो सकता है। ये अब थोड़ी एक्सटेंसिव स्टेज आ गई।
लेकिन है ये पैच स्टेज। अब ये T2 है, T2 या स्टेज इसकी स्टेज 2A, 2A इसमें पैचेस मोर देन 10% बॉडी इन्वॉल्व कर रहे हैं। पेशेंट में प्रोग्रेस फ्रॉम लिमिटेड पैचेस टू एक्सटेंसिव प्लाक और ट्यूमर्स और इवन एरिथ्रोडर्मा। तो ये इस लाइन से ये जाहिर हुआ कि ये सारी जो स्टेजेस हैं MF की, ये एक कंटिन्यूम में है। मतलब एक T1 से पेशेंट T2 में, T2 से T3 में, T3 से T4 में एंटर हो सकता है। However, many patients do not show progression. कुछ पेशेंट एक ही स्टेज में रहते हैं और वो प्रोग्रेस नहीं होते। Plots show the development of stage T2-1B. There is usually involvement head, neck, limb as well as trunk. हेड नेक इन्वॉल्वमेंट यूजली और हेड नेक और लिम्स की इन्वॉल्वमेंट यूजली कम होती है, लेकिन अगर प्रोग्रेस हो रहा है ना पेशेंट तब वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। देर मे बी सम डिग्री ऑफ रिग्रेशन। जब रिग्रेशन होगा तो पेशेंट विल गिव सम एबनॉर्मल शेप ऑफ लेजन्स लाइक एनुलर और आर्कोएट लेजन। प्रूराइटिस भी हो सकता है और एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। समटाइम अल्सरेटेड और पेनफुल लेजन्स भी एक्सपेक्टेड हैं इन MF। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप देखें सोरेसिस से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें थिक स्केलिंग नहीं है, स्केलिंग फाइन है लेकिन कलर सोरेसिस वाला है और इंड्यूरेशन भी है प्लाक्स के अंदर। अब ये भी काफी सोरेसिस से मिलती जुलती पैथोलॉजी है। अब ये ट्यूमर, ये T2-1B स्टेज है, ये आर्कोएट लेजन बताए कि जिसमें ये पूरा एक प्लाक था लेकिन कहीं पर रिग्रेशन हुआ तो लेजन ने एनुलर शेप ले ली। क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस एलर्जिक कॉन्टैक्ट एटॉपिक सोरेसिस फंगल इन्फेक्शन ऑब्वियस। ट्यूमर कैन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज एंड ए प्रेजेंट। अच्छा जब ट्यूमर स्टेज आई, अब ट्यूमर स्टेज की बात हुई, जैसे ही ट्यूमर स्टेज आई, जैसे ही नोड्यूल बनने शुरू हो गए, पेशेंट स्ट्रेट अवे एंटर्ड इनटू स्टेज 3 TNM क्लास T3 और स्टेज 2B ट्यूमर DMLA फॉर्म ऑफ MF in which patients rapidly develop large nodules or tumor without the prior presence of patches or plaque is now appreciated by some to be a variant of CTCL. Generally hum CTCL ko progression mein consider kar rahe hain. Patient tumor stage mein progress hoke ja raha hai from patch or plaque stage, lekin tumor DMLA form MF ki wo form hai ki jisme patient present hi nodules ki form mein plaques ki form mein karega. अब ये देखें, ये नॉर्मल प्लाक्स थे, उसके ऊपर ये नोड्यूल्स बनने शुरू हो, ये बड़े बड़े नोड्यूल्स। नाउ पेशेंट इज इन स्टेज 3 इन TNM क्लासिफिकेशन 3 T3 एंड स्टेज 2B। मेनी पेशेंट्स विद अर्ली स्टेजेस T1 और T2 ऑफ डिजीज डू नॉट प्रोग्रेस बट रेयरली पेशेंट में ग्रेजुअली डेवलप एरिथ्रोडर्मा T4 और स्टेज 3 विच यूजली एसोसिएटेड विद सवेयर प्रूराइटिस। अब एरिथ्रोडर्मा आएगा तो प्रूराइटिस भी ज्यादा आएगा। एट द एरिथ्रोडर्मिक स्टेज ऑफ द डिजीज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस एंड सेजेरिया सिंड्रोम। तो एरिथ्रोडर्मिक MF इज डिफरेंट फ्रॉम सेजेरिया सिंड्रोम। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पेशेंट्स इवेंचुअली डेवलप टाइप बी सिम्टम्स विच आर फीवर, वेट लॉस, मलेज, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल लिम्फ एडनोपैथी इन MF ऑल्टर द स्टेजिंग रिगार्डलेस ऑफ क्यूटेनियस डिजीज। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर तो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए स्टेज 2 स्टेज 4 में तो वो स्टेट अवे पेशेंट स्टेज 4 में एंटर हो जाएगा या स्टेज 2B में एंटर हो जाएगा। हिस्टोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल लिम्फ नोड्स एंड अदर ऑर्गन्स एंड अदर ऑर्गन इज वेरी प्रोग्नोस्टिक। अगर तो लिम्फ नोड सेंट्रल है ट्रंक के या अंदर के चेस्ट के या एबडोमेन के या इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व है तो पेशेंट स्ट्रेट अवे 4B में जा रहा है। अब 4B इसकी MF की सबसे खराब स्टेज। एनी सिस्टमिक ऑर्गन कैन बी इन्वॉल्व बट मेटास्टेसिस इज मोर कॉमनली इन लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। हाउएवर इट कैन बी इन लंग्स, bones, nasopharynx and CNS.
Then different clinical variants of MF. MF can be verrucous. MF can be hyperkeratotic. Bullous, ichthyosiform, folliculotropic, hypopigmented, poikilodermic. इस स्लाइड को देख के ऐसा लगता है कि MF जो है वो आपके हर किस्म के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंटर हो सकता है. वेरुकस लेजन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इवन आप अगर डीप माइकोसिस भी देख रहे हैं ना, तो क्योंकि लेजन्स हाइपर कैराटोटिक और वेरुकस होते हैं तो इवन MF को उसमें भी कंसिडर करना चाहिए. लेकिन ये सब ए टिपिकल फॉर्म है, ये कभी भी पहला डायग्नोसिस नहीं होगा. ये आप ये कह सकते हैं कि रेयरली MF कैन प्रेजेंट एज वेरुकस और हाइपर कैराटोटिक. इट कैन प्रेजेंट एज बुलस लेजन्स. इट कैन प्रेजेंट एज जनरलाइज्ड इक्थायोसिस और फॉलिकुलोट्रॉपिक और फॉलिकुलर म्यूजिनेसिस तो होता ही है. हाइपोपिगमेंटेड MF हमने थोड़े दिन पहले स्लाइड सेशन में डिस्कस किया. एंड सो इज द फॉलिकुलोडर्मिक MF. नॉन वाइट यंगर एडल्ट पेशेंट्स प्रेजेंट विद हाइपोपिगमेंटेड फॉर्म ऑफ MF. और फॉलिकुलोडर्मेटस MF डेवलप वाइड स्प्रेड और आइसोलेटेड फॉलिकुलोडर्मा व्हिच मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद टिपिकल पैचेस एंड प्लाक्स और MF. हो सकता है कि पेशेंट प्रेजेंट ही पोइक्लोडर्मा में करे और स्केली पैचेस और प्लाक्स सिरे से हो ही ना. पोइक्लोडर्मा एट्रोफिकेंस वैस्कुलर, एट्रोफी एंड डायलेटेड ब्लड वेसल्स, ये पोइक्लोडर्मिक स्टेज का MF है. ये MF स्टेज 2A और 2B का है. अब हिस्टोपैथोलॉजी, जो फिनोमेना माइकोसिस फंगोलिडीज में देखा जाता है उस फिनोमेना को हमने एपिडर्मोट्रोबिज्म कहते हैं. एपिडर्मोट्रोबिज्म का मतलब है, ट्रोबिज्म का मतलब होता है मोहब्बत, और एपिडर्मोट्रोबिज्म का मतलब है लिम्फोसाइट्स की एपिडर्मस के साथ लगाव या मोहब्बत. और इस मोहब्बत के मारे लिम्फोसाइट जो है ना, ये हर तरह से एपिडर्मस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं. एक मैं आपको अपने हिस्टोपैथोलॉजी की क्लासेस में एक टर्म इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस की टर्म है जिसमें स्पॉन्जियोसिस के साथ लिम्फोसाइट्स एपिडर्मस में एंटर होते हैं. स्पॉन्जियोसिस एक तरह से ना सेल्स को सेपरेट कर रहा है और स्पेस क्रिएट हो रही है लिम्फोसाइट्स की एपिडर्मस में दाखिल होने. ये कोई बहुत मोहब्बत नहीं जाहिर करता, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, जगह बनी, लिम्फोसाइट्स एंटर हो गए. लेकिन एपिडर्मोट्रोपिज्म में लिम्फोसाइट्स एफर्ट करते हैं एपिडर्मस के अंदर एंटर होने, और चूंकि लिम्फोसाइट्स जो एपिडर्मस में दाखिल हो जाते हैं वो कोई डेस्मोसोमल जंक्शन केराटिनोसाइट्स के साथ नहीं बनाते, इसलिए इन लिम्फोसाइट्स के गिर्द एक हेलो होता है, एक एरिया होता है, वाइट एरिया, जो उसको बाकी केराटिनोसाइट से अलग करता है. तो ये हेलो को पहचान के आप एपिडर्मोट्रोबिज्म को पहचान सकते हैं. अर्ली स्टेज में MF के अंदर बहुत सारे केसेस में द पिक्चर इज इंटरफेस डर्माटाइटिस, बेजल सेल डीजनरेशन एंड पिगमेंट्री इनकॉन्टिनेंस. इन दोनों चेंजेस को जहन में रखना है MF के अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने में. लेकिन उसके साथ साथ लिम्फोसिटिक टैगिंग है. अब एक और लव्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, लिम्फोसिटिक टैगिंग. पहला लव्ज इंट्रोड्यूस हुआ था हिस्टोपैथोलॉजी में एपिडर्मोट्रोपिज्म. अब जो सेकंड लव्ज इंट्रोड्यूस हुआ है वो है लिम्फोसिटिक टैगिंग. लिम्फोसिटिक टैगिंग कहते हैं यही एपिडर्मोट्रोपिक लिम्फोसाइट्स बेसल लेयर पे जमा हुए होते हैं. जिस तरह से ये अभी आप देखें, ये सारे डार्कली स्टेन जो है ये लिम्फोज हैं और ये बेसल लेयर के साथ 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 चल रहे हैं. This is called as lymphocytic tagging. Now, जो epidermotropism है वो पहले से कहीं ज्यादा हो गया. अब keratinocytes को even lymphocytes replace कर रहे हैं. There are numerous intra-epidermal MF cells, lymphocytes. एक चीज जो important है MF में eczema से, क्योंकि लिम्फोसाइट्स तो आपको एक्जिमा में भी मिल रहे हैं बेशक वो एक्सोसाइटोसिस के, वो ये है कि एपिडर्मोट्रोबिज्म तो होगा ही होगा, लिम्फोसाइट के हेलो तो होगा ही होगा, लेकिन लिम्फोसाइट्स की जो शेप्स हैं वो शेप्स एबनॉर्मल होंगे.
वो एबनॉर्मल शेप्स के लार्ज न्यूक्लियाई वाले हाइपरक्रोमेटिक सेल्स मिलेंगे। अब ये देखें, यहां पे ये लिम्फोसाइट्स हैं। अब इन लिम्फोसाइट्स के ये नॉर्मल लिम्फोसाइट है, अब ये बड़े बड़े न्यूक्लियाई है, कन्वोल्यूटेड न्यूक्लियाई। कन्वोल्यूटेड एक टर्म यूज होती है एमएफ के साथ, मतलब वो न्यूक्लियाई है कि जिनके अंदर मुख्तलिफ उभार और चढ़ाव हैं, कन्वुलेशन हैं, जैसे पहाड़ियों में होती हैं, कन्वुलेटेड बोट शेप न्यूक्लियाई, बोट शेप न्यूक्लियाई, कन्वुलेटेड न्यूक्लियाई, एबनॉर्मल न्यूक्लियाई, माइटोसिस, ये सारी जो फीचर्स हैं आपको मिलेंगे। तो अब आप कहेंगे कि हाँ ये एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं जो एपिडर्मस में एंटर हो रहे हैं। अब ये कोएक्लोडर्मा की स्टेज है, कोएक्लोडर्मा एट्रोफियन एक्ट्रोफिकेंस वैस्कुलेयर, इसके अंदर देयर इज हाइपरकेराटोसिस बट एपिडर्मल एट्रोफी और थिनिंग, रेटिनिजिस सिर्फ एक नजर आ रही है, सारी रेटिनिजिस फ्लैट हुई है, लिम्फोसाइटिक टैगिंग नजर आ रही है, बेसल सेल डीजनरेशन नजर आ रही है, पिगमेंट भी पड़ी है, और दूसरे जो फीचर है वो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं जो एपिडर्मस के अंदर पाई जाती है। ये जो एबनॉर्मल डायलेटेड वेसल्स हैं ये स्किन में टिलेंजिक्टेजिया की शक्ल में जाहिर होती है। तो ये पोइक्लोडर्मिक एमएफ। अभी हम जो एमएफ की स्टेज कर रहे थे वो पैच स्टेज। पैच का मतलब ये है कि सिर्फ छोटे से नॉन पैल्पेबल लीजन। अब आ गए प्लाक स्टेज। अब जब प्लाक होगा स्किन पे तो ऑब्वियस है कि एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी होगा। तो नाउ वी आर सीइंग एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया विद एक्सोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइट्स इन द एपिडर्म। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के बड़े बड़े ग्रुप्स और यहाँ पे बोट शेप एबनॉर्मल शेप के न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं। यूजली जब एपिडर्मोट्रोपिज्म होता है तो लिम्फोसाइट्स की एक बड़ी पॉपुलेशन डर्मिस में भी पाई जाती है। तो प्लाक स्टेज में डर्मल लिम्फोसाइट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक और टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा जो आप लोगों ने कई दफा सुनी है और वो है पोट्रियर माइक्रो एब्सेस। पोट्रियर माइक्रो एब्सेसेस माइकोसिस फंगोइडीज में इस्तेमाल की जाती है और पेजेट्स डिजीज में भी और सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा में भी पोट्रियर में एब्सेसेस लाइक लीजन्स बनते हैं। पोट्रियर एब्सेस लिम्फोसाइट्स का एक मजमुआ है, जिस तरह से न्यूट्रोफिलिक एब्सेस होता है ये एक लिम्फोसाइटिक एब्सेस है। लिम्फोसाइटिक एब्सेस है कि जो एक ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स एपिडर्मस के अंदर पाए जाते हैं। पेजेट्स डिजीज या सुपर स्पेशल स्प्रेडिंग मेलानोमा में पेजेट सेल और मेलानोमा सेल्स ग्रुप में एपिडर्मस में पाए जाते हैं। वो मेलानोमा सेल्स होते हैं और पेजेट सेल होते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का जो एक ग्रुप है जो एपिडर्मस के अंदर पाया जाता है, इंडिविजुअल नहीं, इनको ग्रुप की शक्ल में होना चाहिए, उस ग्रुप को पोट्रियर माइक्रो एब्सेस कहा जाता है। ये एक बड़ा पोट्रियर एब्सेस। हमने एपिडर्मोट्रोपिज्म की टर्म की, हमने लिम्फोसाइटिक टैगिंग की टर्म की और हमने पोट्रियर एब्सेस की टर्म कर, काफी एपिडर्मोट्रोपिज्म नजर आ रहा है। इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक पॉइंटर क्या है एमएफ के? लिम्फोसाइट्स विद सराउंडिंग हैलोस, लिम्फोसाइट्स इन लीनियर अरेंजमेंट एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन जिसको हम लिम्फोसाइटिक टैगिंग कहते हैं, हाइपर कन्वोल्यूटेड लिम्फोसाइट्स, डिसप्रोपोर्शनेट एपिडर्मोट्रोपिज्म, पोट्रियर माइक्रो एब्सेसेस, लिम्फोसाइट एटिपिया एंड एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स लार्जर देन डर्मल लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनके मुकाबले में ये जो एपिडर्मोट्रोपिज्म वाले लिम्फोसाइट्स हैं ये लार्जर भी होंगे, इनके न्यूक्लियाई हाइपरक्रोमेटिक भी होंगे और इनके न्यूक्लियाई एबनॉर्मल भी हो। नाउ ट्यूमर स्टेज ऑफ एमएफ। ट्यूमर स्टेज ऑफ एमएफ के अंदर जो डर्मल लिम्फोसाइट्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी।
और ये एडिनेक्सियल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी घुस रहे होंगे। एपिडर्मेट्रोपिज्म इज स्लाइट और एब्सेंट। ट्यूमर स्टेज में टी सेल लिम्फोसाइट रिच इन्फिल्ट्रेट होता है डर्मस में, और इस इन्फिल्ट्रेट में आपको एबनॉर्मल टी सेल्स भी मिलेंगे जो अभी दिखाता हूँ। एपिडर्मेट्रोपिज्म अगर होगी भी तो माइल्ड होगी, वरना यूजली नहीं भी होगी। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इन द डर्मस, दे आर डिस्प्लेइंग एटीपिया, हाइपरक्रोमेटिज्म, एबनॉर्मल शेप न्यूक्लियाई, बड़े 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 एंग्री लुकिंग सेल्स। तो ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं, ये हो रही हैं एपिडर्मस डर्मस के अंदर। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री CTCL की बड़ी क्लासिकल है। हम CTCL जनरली, क्योंकि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है, एक स्टेन लेबोरेटरी को 2,000 से 3,000 का पड़ता है, यूजली लेबोरेटरी वाले 4,000 से 5,000 लेते हैं। तो हमें स्टेन्स बड़े सिलेक्टिवली इस्तेमाल करने होते हैं। जनरली MF के केस में हम दो स्टेन लगाते हैं, एक होता है पैन टी सेल मार्कर जो है CD3, और दूसरा है पैन बी सेल मार्कर वो है CD20। तो हम CD3 और CD20 लगाते हैं फर्स्ट बैटरी। अगर आपको CD3 पॉजिटिव सेल्स एपिडर्मस में मिल रहे हैं और CD20 नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये CTCL। अगर CD3 और 20 दोनों सेल्स पाए जाते हैं, इसका मतलब है, ये बात आप ध्यान में रखें कि जो ट्यूमर है उसका एक फीचर क्लोनिसिटी होता है। मतलब ट्यूमर जो भी किसी भी पेशेंट को इन्वॉल्व करेगा वो एक सिंगल क्लोन से निकलेगा, और उसी क्लोन के सेल मल्टीप्लाई होते होते एबनॉर्मली हद तक बढ़ जाएंगे। पॉलीक्लोनल ट्यूमर्स नहीं होते, तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल कि CD3 और 20 दोनों के सेल हों और वो ट्यूमर हो। तो ऐसी लिम्फोमास को हम सूडो लिम्फोमास कहते हैं, जो नॉन मेलिग्नेंट इन्फ्लेमेटरी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है। तो अगर तो CD3 और 20 दोनों हैं तो सूडो लिम्फोमा, वरना फिर CTCL। अब फर्दर अगर हम पहला जब हमने CD3 पॉजिटिव कर लेते हैं, तो फिर अगली जो स्टेन हम लगाते हैं वो CD4 और CD8 है। CD4 टी हेल्पर सेल्स हैं, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। आम तौर पे माइक एक सेकंड जरा मैं बैटरी चार्ज लगा दूं। CD4 टी हेल्पर सेल है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल। आमतौर पे माइकोसिस फंगोइटीज इज CD4 पॉजिटिव एंड CD8 नेगेटिव। तो हम जब, और अगर फॉर एग्जांपल CD8 सेल्स पॉजिटिव आ भी रहे हैं, तो CD4 और CD8 सेल्स की रेशियो में तकरीबन 3:1 या 4:1 होता है। मतलब देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ CD4 पॉजिटिव टी सेल्स इन द इन्फिल्ट्रेट कंपेयर टू CD8। तो ये टिपिकल है माइकोसिस फंगोइडीज का। उसमें कुछ और जो टी सेल मार्कर्स हैं CD7 और CD5, ये टिपिकली लूज लॉस होता है इसका। CD7 का मौजूद होना और रेयरली CD5 का मौजूद होना CTCL के अगेंस्ट जाता है। जिस तरह से CTCL में CD4 पॉजिटिव होना जरूरी है, इस तरह CD7 का नेगेटिव होना जरूरी है। लेकिन ये वाले जो स्टेन्स है ना, इम्यूनो स्टेन 7 और 5, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेन्स हैं। जब आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई, फिर आपने नेगेटिव स्टेन्स भी लगाए, यूजली CD3 और 20 में डायग्नोसिस हो जाता है। सेकेंड टेस्ट ये हैं CD4 और 8, और थर्ड है 7 और 5। फिर हमें ना यूजली वेस्ट में तो मोनोक्लोनल टी सेल रीअरेंजमेंट हर एक केस में की जाती है, ये प्रूव करने के लिए कि जो टी सेल हैं वो एक मोनोक्लोनल हैं। अगर पॉलीक्लोनल टी सेल हैं तो वो MF को आउट करते हैं। हो सकता है कि CD3 पॉजिटिव हो, CD20 नेगेटिव हो, लेकिन वो पॉलीक्लोनल हो। अगर वो पॉलीक्लोनल है तो वो MF नहीं है।
तो हमने ये टेस्ट आमतौर पर पाकिस्तान में नहीं किया जाता, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये कंफर्म टेस्ट है टू डायग्नोस माइकोसिस फंगोइडीज। टी सेल रिसेप्टर जीन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम टिश्यू सैंपल फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोनल रीअरेंजमेंट ऑफ टी सेल रिसेप्टर जीन एज अ मार्कर ऑफ मोनोक्लोनल टी सेल पॉपुलेशन। ये सब कुछ मैंने आपको कहा। एनालिसिस ऑफ टी सेल रिसेप्टर जीन इन एमएफ इज नाउ अ स्टैंडर्ड अप्रोच दैट हैज डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन। टी सेल क्लोन्स कैन बी डिटेक्टेड इन ऑलमोस्ट 70% ऑफ पेशेंट्स विद अर्ली स्टेज एंड ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन लेट स्टेज ऑफ द डिजीज। अगर हो सके तो करना चाहिए। देन ट्रांसफॉर्म्ड माइकोसिस फंगोइडीज। ट्रांसफॉर्म माइकोसिस फंगोइडीज इज लिम्फोसाइट अंडरगोइंग मॉलिकुलर एंड जेनेटिक चेंजेस एंड बिकमिंग लार्जर एंड एग्रेसिव। अगर लिम्फोसाइट्स जो इनफिल्ट्रेट में मौजूद हैं उनके साइज बढ़ रहे हैं और वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो ट्यूमर भी एग्रेसिव हो रहा है, और इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ में एक तो ये कि न्यूक्लियर साइज लिम्फोसाइट्स के बढ़ेंगे, उसमें माइटोसिस प्रोमिनेंट होंगे। दूसरा CD30 पॉजिटिव हो जाएगा। CD30 एमएफ के अंदर पॉजिटिव नहीं होता आम, लेकिन अगर CD30 पॉजिटिव हो रहा है तो वो एमएफ, उस एमएफ को हम ट्रांसफॉर्म एमएफ कहेंगे, और उस एमएफ का क्लिनिकल बिहेवियर एक एग्रेसिव ट्यूमर का होगा। सर आप रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एमएफ में एक कैटेगरी यूज होती है ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ। ये ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ प्लाक स्टेज में भी हो सकता है, ट्यूमर स्टेज में भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ की डेफिनेशन ये है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लार्जर, मोर हाइपरक्रोमेटिक एंड मोर माइटोटिक फिगर्स आनी शुरू हो जाएंगी उस इन्फिल्ट्रेट में। तो और दूसरी चीज जो उसमें आएगी कि जो टी सेल्स हैं वो CD30 पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि नॉर्मल एमएफ में CD30 नेगेटिव सेल्स होते हैं। ये CD30 पॉजिटिव सेल्स ये जाहिर कर रहे हैं कि एमएफ एक एग्रेसिव स्टेज में आ गया है और ट्रीटमेंट भी हमें एग्रेसिव करनी पड़ेगी। सर ये ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है? ट्रांसफॉर्म्ड एमएफ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। से लार्ज सेल ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये, जिसको आप लार्ज सेल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये एक हिस्टोलॉजिकल टर्म जो क्लिनिकली आपको प्लाक्स या ट्यूमर स्टेज ही नजर आएगी, लेकिन उसमें कोई खास और एग्रेसिव ट्यूमर होने के इसके अलावा फीचर नहीं है कि अगर प्लाक नोड्यूल फेज में चले जाए। लेकिन नोड्यूल फेज में भी जरूरी नहीं है कि वो लार्ज सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैंने आपको नोड्यूल फेज का बताया कि उसके अंदर डेंस डर्मल इन्फिल्ट्रेट है लिम्फोसाइट्स की, ये नोड्यूलर स्टेज। अब लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट दो तरह की, एक तो क्लिनिकली एनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं लेकिन पैथोलॉजिकली एमएफ नहीं है। इस किस्म के लिम्फ नोड्स को डर्मेटोपैथिक लिम्फ नोड्स कहते हैं, और इनकी पहचान ये होती है कि इनके अंदर देयर आर पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग मैक्रोफेजेस, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट मतलब पेल स्टेनिंग हिस्टोसाइट्स। पिगमेंट कंटेनिंग मैक्रोफेजेस जो एपिडर्मस का ही फीचर है, जब वो लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं तो उस लिम्फ नोड की चेंज को डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी कहा जाता है, और ये चेंज एमएफ के अलावा किसी भी और इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस में हो सकती है, कोई भी और कैटेगरी का इर्थोडर्मा है उसमें हो सकती है। तो ये स्टेज ट्यूमर की स्टेज नहीं है, इसलिए इसको N1 कहा जा रहा है, और N1 की स्टेज में पेशेंट जो है वो स्टेज 4 में दाखिल नहीं हो रहा। अब ये वो हिस्टोसाइट्स हैं पिगमेंट कंटेनिंग जो लिम्फ नोड्स में पड़े हैं। अब यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें एबनॉर्मल टी सेल्स आ गए लिम्फ नोड के अंदर, टी सेल्स एबनॉर्मल शेप के हैं। अब यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट उस लिम्फ नोड को देख रहा होगा वो इसके ऊपर इम्यूनो स्टेन्स कराएगा। अब वो स्टेन्स होंगे टी सेल के,
बी सेल के CD4, CD8, CD30 प्रोलिफरेशन मार्कर्स, तब जाके पता चलेगा कि ये जो टी सेल्स हैं ये वही इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री स्टेन पैटर्न रखते हैं जो स्किन के अंदर है। स्किन का इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पैटर्न कोरिलेट करेगा लिम्फ नोड के इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पैटर्न से। तो ये बात प्रूफ होगी कि जो लिम्फ नोड्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स दाखिल हो रहे हैं ये एक्चुअली स्किन के अंदर से आ रहे हैं। तो ये जाहिर हो रहा है कि अब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो हो रही है, अब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो हो रही है ये स्किन से रिलेटेड है। और नाउ द पेशेंट इज एंटरिंग इनटू स्टेज 4A। सो वर्कअप एंड स्टेजिंग, ऑल पेशेंट विद MF शुड हैव अ फुल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपने एक तो ये कि सारे हिडन एरियाज को एक्सपोज करके देखना है, इंक्लूडिंग द जेनिटल्स, बटक्स, इन ग्रोइन एरियाज, नेक, बैक, सब जगह पे। एक तो आपने सब जगहों को देख लिया, फिर आपने तमाम पेल्पेबल लिम्फ नोड्स के रीजन्स को पेल्पेट करना है, फिर आपने अच्छा सा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है ताकि आप विस्रोमिगैली को रूल आउट कर दें, विस्रोमिगैली को चेक कर लें। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन ना तो कंप्लीट है ना ही आपने पास होना है। पेरिफेरल ब्लड सैंपल शुड बी टेकन फॉर रूटीन हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, LDH, फिजरे सेल्स तो इर्थोडर्मा की स्टेज, लिम्फोसाइट सबसेट एनालिसिस, CD4 CD8 रेशो अगर आपकी लेबोरेटरी में ये फैसिलिटी है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस फन सीरोलॉजी अगर लेबोरेटरी में ये फैसिलिटी है, टी सेल रिसेप्टर जीन अरेंजमेंट एनालिसिस अगर लेबोरेटरी में ये फैसिलिटी है तो आप ये सारी चीज़ें करवा लें। यार आप क्यों कर खोल रहे हैं अपने अपने आप म्यूट से क्यों खोल रहे हैं अपने आप को? Any palpable or bulky peripheral node should be biopsied, but the practice of blind lymph node biopsy of non-palpable lymph nodes is not at all essential. Peripheral nodes, matlab axillary, cervical, inguinal lymph nodes, agar they are more than 1.5 centimeter, then they are considered as abnormal. Or central node, jo एब्डोमेन या चेस्ट के लिम्फ नोड्स, अगर उनका साइज 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल। चेस्ट एक्सरे शुड बी ऑर्डर्ड इन ऑल एडवांस स्टेजेस ऑफ। देन बाज दफा एक्सटेंसिव डिजीज में आपको CT स्कैन चेस्ट और एब्डोमेन भी करना है, पेल्विस, टू डिटेक्ट एनी विस्रोमिगैली, विस्रल इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसे केसेस में पेशेंट स्टेज 4 में दाखिल हो जाएगा अगर विस्रल इन्वॉल्वमेंट है। बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट है तो आपने बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्राइफाइन डिफाइन बायोप्सी भी करनी है इन स्टेज 3, 4 और 2B, इन सब में करनी है बोन मैरो चेक करने के लिए कि मेटास्टेसिस है या नहीं। अगर पेरिफेरल ब्लड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है देन आपने सिजेरे काउंट करना है। सिजेरे काउंट इज यूजली एबनॉर्मल लिम्फोसाइट विच आर मोर देन 10% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट, नॉट 5%। Prognosis. Patient life expectancy is not adversely affected in stage 1A disease. ये हमारी common stage disease है, जिसमें less than 10% involvement है skin की, लेकिन ये rare होती है। आम तौर पे जो मैं patient देखता हूँ वो 1E के देखता हूँ। In patient 1B and 2A, 2A आपको याद होगा कि 2A में skin की involvement कैसी भी हो सकती है, लेकिन कोई lymph node enlargement जरूर होगी, जो डर्मेटोपैथिक होगी, जो पैथोलॉजिकल नहीं होगी। उसके 72-86% 5-year सर्वाइवल रेट है। पेशेंट विद 2B डिजीज, पेशेंट विद 2B डिजीज में क्या होता है, पेशेंट 2B में ट्यूमर स्टेज होती है, 40-65% 5-year सर्वाइवल। इर्थोडर्मिक स्टेज 3 है 41-57। अब जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है 5-year सर्वाइवल कम होता जा रहा है। स्टेज 4A में जिसमें मेटास्टिसिस नहीं है लेकिन लिम्फ इन्वॉल्वमेंट है, 27-40%
और जिसमें मेटास्टेसिस है उसमें 0-27% इन्वॉल्वमेंट, 5 ईयर सर्वाइवल है। अब आ गया सिजेरे सिंड्रोम। सिजेरे सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज बाय डेफिनेशन स्टेज एज T4 इर्थोडर्मा, T1N1 लिफ नोड, N1 टू N3 मतलब लिफ नोड की कैसी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मेटास्टेसिस कहीं नहीं हो रहा लेकिन ब्लड इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसको ना लिम्फोसिटिक लिक्यूमिया भी कहा जाता है। तो इसलिए जब ब्लड इन्वॉल्वमेंट हो रही है लेकिन मेटास्टेसिस नहीं है तो पेशेंट इज इन सिजेरे सिंड्रोम। सिजेरे सिंड्रोम में नंबर एक इर्थोडर्मा है, नंबर टू लिफ नोड की इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह की है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है लेकिन ब्लड इन्वॉल्वमेंट। नाउ फ्यू वेरिएंट्स ऑफ एमएफ। मैं वैसे ये सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि आज के दिन इतना बस करते हैं और कल हम बाकी ले लेंगे। अभी खैर से शबे कदर है, आप लोगों को भी इबादत करनी होगी और हम ब्रेक करते हैं, और मेरा ख्याल है कल थर्सडे को इसी टाइम पे सेशन करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अगर yes, कहते हैं यस तो ठीक है, वरना फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके सर, यस सर, ओके सर। अच्छा, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें जो सवाल है वो मुझे बता दें। सर, जो लिम्फ नोड्स का आपने बताया ना कि इन्वेजन ऑफ द लिम्फ नोड्स, वो थोड़ा दोबारा बता दें उसमें एमएफ में। देखो, लिम्फ नोड्स आपको मालूम है कि ये हमारे बॉडी के चौकीदार हैं। ये जहां पे भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, वो आके लिम्फ नोड में सेटल होगा। एक जो टर्म यूज होती है वो होती है डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी। डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी किसी भी इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस में होगी कि जिसमें बॉडी काफी सारी इन्वॉल्व होगी, जैसे कि इर्थोडर्मा। डर्मेटोपैथिक लिम्फ एडनोपैथी की पहचान ये है कि यूजुअल लिम्फोसाइट्स तो होंगे ही होंगे फॉलिकल्स की चक्कर में, क्योंकि लिम्फ नोड्स में तो लिम्फोसाइट्स होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको पिगमेंट कंटेनिंग हिस्टोसाइट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये पिगमेंट कंटेनिंग हिस्टोसाइट्स वो डेंड्रिटिक लिम्फोसाइट्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स हैं, लिम्फोसाइटिक डेंड्रिटिक लैंगरहैंस सेल्स हैं या हिस्टोसाइट्स हैं जो स्किन से लिम्फ नोड्स में आ गए। तो ये तो एक बेसिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है जो एमएफ के साथ किसी भी और इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस में होती है, और ये हम N1 कैटेगरी हमारी है TNM क्लासिफिकेशन में, और N1 कैटेगरी स्टेज 2B की कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी, अब लिम्फ नोड्स के अंदर स्किन में जो एबनॉर्मल एमएफ सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स के अंदर आ गए, इसको कहेंगे अब लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। जब को मालूम है कि जब ट्यूमर के अंदर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होती है तो ट्यूमर सीरियस हो जाता है। नाउ जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है, और लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हम कैसे देखेंगे कि उन नॉर्मल लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड्स के अपने लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर आपको एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, जिनके हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई हैं, एबनॉर्मल शेप्स हैं विद माइटोसिस। और जब उन लिम्फोसाइट्स पे जो लिम्फ नोड्स में एबनॉर्मल हैं उन पे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे तो उसकी जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के मार्कर्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे उन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के मार्कर से जो हमने स्किन पे किए होंगे। मिसाल के तौर पे अगर उसमें CD7 नेगेटिव है स्किन में, तो जो लिम्फोसाइट्स एमएफ के एमएफ सेल्स जो लिम्फ नोड में होंगे उनमें भी CD7 नेगेटिव होगा। अगर CD4 CD8 रेशो 1:1 है तो लिम्फोसाइट में भी CD4 CD8 रेशो 1:1 होगी। तो ये पहचान होगी कि जो लिम्फ नोड में एमएफ के सेल्स आए हैं वो स्किन के अंदर से आए। सर, LDH क्यों करवाते हैं इसमें? LDH सिर्फ CTCL में नहीं, LDH तमाम मैलिग्नेंसीज में एक नॉन स्पेसिफिक क्रोनिसिटी का मार्कर है, और ये प्रोग्नोसिस और के एक अच्छा मार्कर है उसका, प्रोग्नोसिस का भी और ट्रीटमेंट के रिस्पांस का, स्पेसिफिक नहीं। ओके सर, ये जो लेदर है 10% और गेटर है 10% निकाले थे, ये रूल ऑफ 9 से निकाल रहे? रूल ऑफ 9 ही है, सबसे आसान रूल रूल ऑफ 9। आपका थंब पे आपका जो पाम सरफेस है वो 9% बस, इसको रूल को सॉरी 1% है, आप इसके ना 1% है, इसको आपने ना 10 जगह पे जब लगेंगे फिर आपको लगे ना 10% इन्वॉल्वमेंट होगा।
book mentions epiderma and discordans. Is it just a difference in the size of the lymphocytes? दोबारा बोलो क्या क्या किस टर्म की बात कर रहे हो? सर एपिडर्मल डर्मल डिस्कॉर्डेंस तो ये इज इट जस्ट अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ कई के जो एपिडर्मोट्रोपिक लिम्फोसाइट्स हैं उनका साइज डर्मल लिम्फोसाइट से ज्यादा हो साइज भी ज्यादा होगा शेप में भी एबनॉर्मल हो तो ये डिस्कॉर्डेंस है राइट सर ठीक है जी इंशाल्लाह।